अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड पर जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ वो सभी सनातनी थे। उन्हें धर्म परिवर्तन करके उन्हें जोर जुल्म के या किसी भी तरीके से उनसे धर्म चेंज करवाया होगा, बाकी सब सनातनी थे। कंधे पर योगोपवीत धारण किए सनातन की बात कर रहा यह व्यक्ति बीते दिन तक शेख जफर के नाम से जाना जाता था। 46 वर्ष के शेख जफर ने शुक्रवार को सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में मुंबई से आए महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य श्री चिदंबरानंद जी सरस्वती की मौजूदगी में घर वापसी की प्रक्रिया की। शेख जफर अब इस्लाम छोड़ के वापस सनातन धर्म में आ गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी वहां पर मौजूद रहे। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद शेख जफर शेख चैतन्य सिंह राजपूत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मूल धर्म हिंदू ही था और अधिकांश राजपूत ही मुस्लिम बने थे, इसलिए उन्होंने नाम में उपनाम राजपूत रखा है। छियालीस वर्षीय शेख को महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी सरस्वती द्वारा विधि विधान से पूजन कर हवन कर हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई। इस दौरान उन्हें गोबर और गोमूत्र से स्नान कराया गया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि बचपन से ही मेरा झुकाव हिंदू धर्म की ओर था, इसी वजह से मैंने मराठी समाज की युवती से शादी की। अब तक मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, लेकिन विधि विधान से सनातन धर्म अपनाने के बाद मैं पूर्ण रूप से हिंदू हो गया हूँ। मैं खुद स्वामी श्री चिदंबरानंद जी मुंबई से पधारे हैं और साथ में आए पंडित जी ने पूरे विधि विधान से मुझे सनातन में प्रवेश करवाया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन से ही था और घर में मंदिर भी है, रोज़ पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिरों पर भी जाता था, पूरा सनातन का ही पालन कर रहा था। अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। सीधी सी बात है, आज़ाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ कि मैं किसको किस धर्म को मानूँ किसको नहीं मानूँ। ये तलवार से किया हुआ धर्म परिवर्तन नहीं है, मेरी इच्छा का है, मेरी इच्छा से किया मैंने। चैतन्य सिंह राजपूत कहते हैं कि घर वापसी से परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। दुनिया के अधिकांश लोग सनातनी हैं जो इधर उधर हो गए हैं। अब जो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वह भी हिम्मत दिखाकर अपने मूल सनातन में लौट आएं, यहीं पर शांति मिलेगी। जो मुस्लिम हैं उनके पूर्वज राजपूत थे, इसीलिए उन्होंने यह नाम चुना है। आगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, इनका नाम शेख जफर के नाम से जाने जाते हैं, कई लोग जफर सेठ के नाम से उनको जानते हैं। उनकी पहले से ही भावना सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति आस्था रही है। उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि हम अपने धर्म में वापसी करें। ऐसा योग संयोग आज बना है कि भगवान पशुपतिनाथ के पावन सानिध्य में सनातन धर्म की जिसके प्रति उनकी आस्था थी, जिनके पूर्वज भी सनातन धर्म से ही जुड़े रहे। भारतवर्ष में जितने भी प्रायः मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। आज फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस बात को कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद संसद में इस बात को कहते हैं। तो बड़े बड़े नेता और लोग हों, चाहे जो भी हो, जो भी थोड़ी भी ईमानदारी से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके पूर्वज हिंदू ही थे। लेकिन इस बात को शेख जफर भाई ने समझा और अपने उस घर में वापसी करने के लिए तैयार हुए। उसी का कार्यक्रम भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में हम लोग उनका शास्त्रीय विधि विधान से घर वापसी का कार्यक्रम। शेख जफर अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनका कहना है कि मेरा जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में हुआ है पर कभी भी नमाज ही नहीं पढ़ी है। माता पिता ने सिखाने की कोशिश भी की पर नहीं पढ़ी। ईद या अन्य त्यौहार पर भाई व पिताजी जिद करते थे तो उनके साथ अनमने मन से चला जाता था, जबकि साल की दोनों नवरात्रि व 2 गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक माता जी की पूजा अर्चना करता हूँ और आखिरी में कन्या भोज भी करता हूँ। गणेश उत्सव में श्री गणेश जी की स्थापना भी करता हूँ। मैंने शादी भी मराठा समाज में ही की है ताकि पूजा पाठ में कोई तकलीफ नहीं आए। मेरे बड़े भाई मंदसौर पुलिस में एसआई हैं, एक भाई हैदराबाद में नौकरी करते हैं, एक बहन की शादी नीमच और एक की रावतभाटा में हुई है। अब ये जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, स्वेच्छा से चलना चाहते हैं, मन से चलना चाहते हैं,
तो मेरा भी मन बड़ा कि मैं भगवान पुष्पराज महादेव के इस मंदिर परिसर में, चूँकि आज का दिन तिथि तय थी, जफर शेख आज से चेतन सिंह राजपूत हो गए हैं, ये नाम भी दिया है महामंडलेश्वर सरस्वती जी ने, जो स्वयं बम्बई से चल करके यहाँ पधारे हैं। मैं नव नामांकित भाई चेतन सिंह राजपूत के नए संस्कार जो उन्होंने प्राप्त किए उनके प्रति मैं शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। देश भर के अलग अलग स्थानों पे प्रतिष्ठित लोग इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया भर में लोग इस्लाम से बाहर आने की जिद कर रहे हैं। हिंदू समाज वापस सनातन धर्म में आने वालों को खुले बाह से स्वीकार कर रहा है, इसका उत्सव मना रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।